Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. So, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स रोज हिप सीरम को इस्तेमाल करके मेरे फेस पर जो पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम मैंने फेस किया है तो उसे मैंने किस तरीके से रिमूव किया है. So, ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आप सबने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कमेंट बॉक्स में. So, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बनाती हूँ. So, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. So, let's get started. पहले बता दूं ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है देन आपको पता है कि मैंने इस सीरम के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किया है. पहला वीडियो था एक रिव्यू वीडियो. अगर आप वो रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. आई बटन पर भी मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर चेक करना. एक्चुअली ये प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं किया था, पिंपल्स एंड ऑल हो रहे थे मेरे फेस पर बहुत ज्यादा. सो आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस. लेकिन उस वीडियो में जितने मुझे कमेंट्स मिले उसके बाद मुझे लगा बहुत सारे आप लोगों के क्वेरीज थे तो मुझे लगा कि ओके लेट्स ट्राई दिस फॉर अ वाइल. तो मैंने कुछ दिनों तक लगातार इसे इस्तेमाल किया एंड पहले बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे थे. जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती थी तभी मेरे फेस पर पिंपल्स हो रहे थे. लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद जब मैं लगातार इसे इस्तेमाल करती थी डेली तो मेरा जो पिंपल्स होना है वो बंद हो गया, एज इफ कि ये मेरी स्किन पर सूट कर गया. तो अगर आप में से किसी को पता है द रीजन बिहाइंड दिस तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. अगर आप में से किसी के साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. इट विल हेल्प मी अ लॉट, इट विल हेल्प अदर्स अ लॉट. ओके सो उस वीडियो में भी मैंने जो सेकंड वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी मैंने इस बात को शेयर किया था एज वेल एज आई ऑल्सो शेयर्ड कि मैं कुछ ऐसा इस्तेमाल करती थी जिससे मेरे पिंपल्स ठीक हो रहे थे. पिंपल्स को ठीक करने के लिए मैं एक रेगुलर बेसिस पर सीटीएम रूटीन फॉलो करती थी. सीटीएम रूटीन मतलब अगर आपको नहीं पता तो क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग. ये मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी, आप लड़का है लड़की है एवरीवन शुड फॉलो दिस वन. सो मैं हमेशा प्रोडक्ट्स को चेंज करती रहती हूँ. तो जो मेरा करंट स्किन केयर रूटीन है वो मैंने अपडेट किया है अपने चैनल पर. मैं वीडियोस भी बनाती रहती हूँ तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी. ऑल्सो ऐसा नहीं कि आपको वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपकी स्किन पर जो प्रोडक्ट सूट करते हैं, आपको जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं आप उसी को ही इस्तेमाल कीजिए. लेकिन क्लेंस कीजिए अपने फेस को, टोन कीजिए एंड देन मॉइस्चराइज करके फिर सोने जाइए. एंड जो इम्पोर्टेंट बात है पिंपल्स के लिए, मुझे लगता है कि वो शायद अच्छे से वर्क किया मेरे पिंपल्स के ऊपर. मैं हमेशा डेली एक फेस पैक जरूर लगाती थी एंड वो फेस पैक था विथ सैंडलवुड, नीम, मुल्तानी मिट्टी एंड एलोवेरा जेल. तो कभी कभार मैं एलोवेरा जेल के बजाय रोज वाटर इस्तेमाल करती थी, कभी कभार दही इस्तेमाल करती थी. वो डिपेंड करता था अकॉर्डिंग टू माई मूड एंड वॉट माई स्किन नीड्स. मेरे घर में नीम का पेड़ नहीं है सो मुझे कुछ पाउडरी फॉर्म में रेडीमेड चाहिए था. ऊपर से पीस कर यू नो यूज करना उतना टाइम मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली. सो मैंने सर्च किया फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, लेकिन यू नो जो प्योर फॉर्म है वो मुझे नहीं मिल रहा था. तो मैंने सिर्फ सैंडलवुड पाउडर ट्राई किया फ्रॉम कर्लिंग कॉर, एक ब्रांड है जो मुझे फ्लिपकार्ट पर मिला. सैंडलवुड पाउडर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था इसीलिए ही मैंने ट्राई किया कि लेट्स ट्राई दिस वन. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा सैंडलवुड पाउडर है, एकदम प्योर फॉर्म है. जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है उससे ही आपको पता चलता है. एंड उसके बाद सैंडलवुड आपको पता है पिंपल्स के ऊपर लगाने पर वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है. सो मुझे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा, एट द सेम टाइम बहुत अफोर्डेबल था. तो मैंने कर्लिंग कॉर ब्रांड के ही नीम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल फिर से मैंने ऑर्डर किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दिस फेस पैक जिसमें मैं सैंडलवुड पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नीम पाउडर एंड 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर इस्तेमाल करके मैं एलोवेरा जेल के साथ या तो रोज वाटर के साथ या तो दही के साथ मिक्स करती थी. एंड आई यूज टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई क्लीन फेस. और आपको क्लीन फेस पर अप्लाई करने के बाद जस्ट 15 मिनट चाहिए इसे सूखने के लिए. आफ्टर 15 मिनट्स आप जस्ट इसे नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए एंड दैट विल बी इट. मैं यही फेस पैक इस्तेमाल करती थी एंड ट्रस्ट मी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला इस फेस पैक को इस्तेमाल करने से. एंड आई फील कि इसे इस्तेमाल करने से ही मेरा जो पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है. सो आप में से काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैंने किस तरीके से ब्रेकआउट्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक किया है वो शेयर करने के लिए. तो आई जस्ट शेयर्ड इन दिस वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यू था, कोई स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं था. अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और ये जो प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का, ये प्रोडक्ट मैं बोलूंगी कि ये बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन अगर आपको सूट करे तो ही ये अच्छा है. अगर आपको सूट नहीं करे देन इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू क्योंकि ये आपकी स्किन पर
इतना ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आई हैव फेस्ड दिस सो आई नो वेरी वेल. तो मैंने ये फेस पैक इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाई मुझे इतना अच्छा बेनिफिट मिला. अभी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे पिंपल्स एंड ऑल की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता. हालांकि मैं डेली इस फेस पैक को अभी भी इस्तेमाल करती हूँ एंड आई गेस आप लोगों ने मेरे स्किन पर एक चेंज भी देखा होगा. इस फेस पैक को डेली 2 times भी इस्तेमाल करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इसे 2 times भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आज का वीडियो यहाँ तक ही था. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय बाय.